यही सर जी, बात करें अगर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में हमने धनिया को अभी भी देख रहे हैं, धनिया के दिसंबर वायदा 8000 के ऊपर सस्टेन है, और रिसेंटली में हमने जीरा और हल्दी में काफ़ी अच्छी ट्रेडिंग होते हुए देखी है। जीरा और हल्दी दोनों में एकदम से तेजी, कुछ तेजी बनती हुई नजर आई है, आपको क्या लगता है, क्या एक्सपोर्ट डिमांड ज्यादा हुई है या फिर ट्रेडिंग ज्यादा देखने को मिल रही है? देखिए, एक एक करके अगर हम तीनों स्पाइसेस की अगर बात करें, तो सबसे पहले हल्दी, हल्दी में जनवरी से अभी तक हमने करीबन 22-23% की तेजी देखी है। पर ध्यान रखिए, स्विंग अच्छी हुई थी, कैरी ओवर स्टॉक भी अच्छा है, जिसके चलते प्राइसेस में हमने दो चार महीने पहले एक बार अच्छा खासा जंप आते हुए देखा था, बट 8500 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए थे। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कंफर्टेबल स्टॉक पोजीशन होने की वजह से प्राइसेस एक कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। नो डाउट पिछले हफ्ते हमने कुछ वेदर कंडीशन खराब होते हुए देखी थी साउथ में, जिसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिला हुआ है, और हल्दी इस वक्त भी अगर हम देखें तो 73-74 के करीब है। तो आई थिंक अगले महीना दो महीने की बात करें, डिमांड में ऐसा एज ऑफ नाउ कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं है जो हल्दी को सपोर्ट कर दे, तो मुझे लगता है 7000 से लेकर 7650 का जो दायरा है वो अगले महीना दो महीने तक चलता रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि जनवरी से हम देखते हैं कि अगले साल डिमांड में इंप्रूवमेंट होगा, साथ में अराइवल प्रेशर भी रहेगा, तो हल्दी मुझे पूरे मसालों के अंदर एक रेंज बाउंड दिख रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई बड़ा जंप नहीं है। जब तक प्राइजेस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई एक्सपोर्ट डिमांड नहीं आती है, तो हमें लगता है मार्केट महीने दो महीना ये रेंज ही रहेगा, जो 7000 से लेकर 7700 का जो ब्रॉडर रेंज है महीना दो महीना चलेगा। वहीं दूसरी कमोडिटी है जीरा। जीरे के अंदर धीरे धीरे हमने दो साल से कैरी ओवर स्टॉक में डिप्लीटिंग होते हुए देखा है, कम होते हुए देखा है, जनवरी से अभी तक करीबन प्राइजेस में 20% की तेजी दिखाई गई है। ओवरऑल हमें लगता है कि जीरा 2022 की टॉप कमोडिटी निकलकर आएगी। हमने इसे पहले भी कहा था कि जीरे में बाइंग करके चलिए, ऑलरेडी हमने प्राइजेस को 13,500 से 15,500 के करीब जाते हुए देख पा रहे हैं। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड अभी इमीडिएटली इंप्रूव नहीं होगी, 20 दिसंबर से धीरे धीरे इंप्रूव होना चालू होगा, जो फरवरी से पहले पहले, फरवरी क्लोजिंग से पहले पहले आपको 21,000 का भाव जीरे में देखने मिल जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में धीरे धीरे फेस्टिव डिमांड है जो इंप्रूवमेंट हो रहा है, सोइंग में भी इस बार ड्रॉप आएगा, क्योंकि हमने देखा कि मस्टर्ड और अदर क्रॉप्स के अंदर प्राइसिंग फार्मर्स को अच्छी मिल रही है जी। तो इमीडिएटली दिसंबर तक का तो हमारा टारगेट है 16,200-16,300 का ही, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं देख रहे, क्योंकि डिमांड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप नहीं है एज ऑफ नाउ, बट जनवरी फरवरी ऐसा महीना रहेगा जिसमें जीरा और धनिया ये दोनों में जबरदस्त तेजी आएगी, जिसमें 21,000 तक का लेवल हम जीरे में देख रहे हैं, और वहीं धनिया का भी हाल ऐसा ही कुछ है कि कैरी ओवर स्टॉक काफी कम है, प्राइजेस में हमने 5600 से ऑलमोस्ट 8000 का लेवल क्रॉस करते हुए देख चुके हैं। 8500 के ऊपर वीकली क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 85-86 के ऊपर एक बार क्लोज होता है तो 92 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट अगर हम फरवरी तक की बात करें तो ये कमोडिटी भी ऐसी है जो 12000 तक का भी लेवल दिखाने की ताकत रखता है। तो ओवरऑल स्पाइसेस के अंदर हल्दी रेंज बाउंड रहेगी, लेकिन जीरा और धनिया दोनों कमोडिटी में अगले 1-1.5 महीने में भी तेजी है, और अगले 4-6 महीने की भी बात करें, फरवरी एंड तक की बात करें, तो एक जबरदस्त डबल डिजिट रिटर्न दिखते आते हुए दिखेंगे जी। तो यानी कि मसालों की खुशबू अभी और देखने को मिल सकती है, सिर्फ इस साल के अंत तक नहीं, आने वाले नए साल में भी जो मसाले हैं उनकी कीमतें अपनी खुशबू बिखेरती हुई नजर आएंगी, जैसा अजय जी ने बताया।